हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इन दो सवालों के बारे में बताने जा रहा हूं, तो देख चलते हैं। 0.15, 0.025 तथा 0.36 का लघुत्तम समापवर्त क्या है? तो इसका लघुत्तम समापवर्त निकालने के लिए 0.15, 0.025, 0.36 इन तीनों को निकालने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि डेसिमल कितने डिजिट्स, मैक्सिमम कितने डिजिट से पहले लगा हुआ है। इसमें दो डिजिट से पहले लगा हुआ है, इसमें तीन डिजिट से पहले लगा हुआ है, इसमें दो डिजिट से पहले लगा हुआ है। तो पहले हम इसको सिंपल कर लेते हैं लघुत्तम समापवर्त निकालने के लिए। तो टू डिजिट है, थ्री डिजिट है और टू डिजिट से पहले लगा हुआ है। जो तीन डिजिट वाला है उससे, यानी कि तीन डिजिट से पहले डेसिमल लगा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इन तीनों में 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन तीनों में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये तीन डिजिट से पहले लगा हुआ है। तो इस तरीके से सिंपल हो जाएगा। तो 0.15 × 1000 से मल्टीप्लाई किया 15000, तो दो डिजिट से पहले है तो दो डिजिट से पहले डेसिमल लगा देंगे, तो आपका सिंपल नंबर निकल के आया 150। इसी तरीके से 0.025 का मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे, 250। तीन डिजिट से पहले लगा तो तीन डिजिट से पहले डेसिमल लगा देंगे, तो 25 हो गया। 0.36 में मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो उसमें आ गया 360, टू डिजिट से पहले डेसिमल लगा देंगे, तो आपकी वैल्यू आ गई 360। अब ये जो नंबर हमें प्राप्त हुआ है इनका हम लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे, इनका हम लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। लघुत्तम समापवर्त निकालने के लिए सबसे पहले इनके हम फैक्टर निकाल लेते हैं। अब हम देखते हैं फैक्टर निकालने के लिए इन तीनों नंबर में एक ऐसा टेबल ढूंढेंगे जिससे ये तीनों कड़ियाँ उस टेबल से। तो सबसे छोटा टेबल भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें देख रहे हैं कि ये डिजिट जो है 5 के टेबल से ज़्यादा कटेगा, 5 के टेबल से ही कटेगा, तो 5 से इसको काट देते हैं। 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, 0, 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10। उसके बाद इसको हम फिर 5 से काट देते हैं, 5 × 6 = 30, 5 × 1 = 5, और जिसमें नहीं जाता है उसको ऐसे रख देते हैं 72। अब देखना है कि 6 और 72 में डिवाइड करते हैं, इनमें से कौन से नंबर से टेबल जा सकता है। हम कहें इसको हम 3 से काट देते हैं, 3 × 6 = 1, 3 × 6 = 3, 4 = 12। अब 2 और 24, आप चाहो तो 3 से भी काट सकते हो, 2 से भी काट सकते हो, तो हम 3 से पहले ले लेते हैं। 2 में नहीं जाएगा, 1 में नहीं जाएगा, 3 × 8 = 24। अब 2 और 8 में डिवाइड करते हैं 2 से, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, फिर 2 से 2, 2 = 4, फिर 2 से 2, 2 = 1। ये तब तक करते रहेंगे जब तक कि तीनों का 1 ना आ जाए। अब इन तीनों नंबर का फैक्टर जो है वो लघुत्तम समापवर्त के लिए लघुत्तम समापवर्त निकलेगा 5 × 5 × 3 × 3 × 2 × 2 × 2।
इनका फैक्टर का पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 × 5 3 × 3 2 × 2 × 2 तो इस तरीके से 5 × 5 = 25 5 × 5 = 25 3 × 3 = 9 2 × 2 = 4 4 × 2 = 8 8 आ गया 25 25 को मल्टीप्लाई में 8 से कर देते हैं 25 8 जा हो जाता है 200 इनटू 9 आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो, आंसर वही आएगा। तो 9 का मल्टीप्लाई 2 × 9 9 × 2 = 18 9 × 2 = 18 तो लघुत्तम समाप्त इनका मल्टीप्लाई करने पे 1800 आया। हम लोग सबसे पहले हमें चाहिए इनका 0.15 0.025 तथा 0.36 का लघुत्तम समापवर्त, लेकिन हमने निकाला किसका है, हमने निकाला 150 25 और 360 का लघुत्तम समापवर्त निकला है। तो हमने क्या किया था उस समय, हमें इनका निकालना लघुत्तम समापवर्त, तो उसमें क्या किया था, इन तीनों में 1000 से मल्टीप्लाई किया था। तो मल्टीप्लाई जब किया तो हम इनका हम लघुत्तम समापवर्त निकालने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा लघुत्तम समापवर्त निकल आएगा। 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया, फिर बाद में हम डिवाइड करेंगे तभी बराबर आएगा, तभी बराबर लगेगा क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 1800 का डिवाइड 1000 से करेंगे तो 20 कैंसिल हो गया, और 18 का डिवाइड 10 में करेंगे, 10 का डिवाइड 18 में करेंगे तो 1.8 आ जाएगा 1.8। तो इस 0.15 इस क्वेश्चन 0.025 तथा 0.36 का लघुत्तम समापवर्त निकला 1.8। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं 0.24 0.06 और 0.018 का महत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त क्या होगा। तो 0.24 0.06 0.018 तो इन डेसिमल नंबर का हमें एससीएफ चाहिए या महत्तम समापवर्त। तो निकालने के लिए हम सबसे पहले वही देखते हैं कि सबसे कौन सा नंबर कितने डिजिट से ज़्यादा कितने डिजिट पहले लगा, ये 2 डिजिट से पहले है, ये भी 2 डिजिट से पहले है, ये 3 डिजिट से पहले है। तो हम ये देखते हैं जो ज़्यादा डिजिट से पहले है उसमें हम उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 2 डिजिट से पहले है होता, मैक्सिमम 2 डिजिट से होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते, अगर 1 डिजिट होता तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है 3 डिजिट से पहले डेसिमल लगा है इसलिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन तीनों में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 3 डिजिट से पहले है। टू डिजिट से पहले डेसिमल लगाया तो आपका आंसर निकला 240। इसमें भी वही करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे कितना आया 6000, डेसिमल लगाया 2 डिजिट पहले तो ये आ गया आपका 60, फिर 3 डिजिट है तो 18, मल्टीप्लाई किया 3 डिजिट पहले डेसिमल लगा दिया 18। अब हमें सबसे पहले इन नंबरों का पहले महत्तम समापवर्त निकालेंगे, फिर उसके बाद जैसे हमने मल्टीप्लाई किया था फिर जो महत्तम समापवर्त आएगा उसमें हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो इन नंबरों का महत्तम समापवर्त निकल जाएगा। तो चलते हैं करते हैं तो हम क्या करते हैं 60 और 240 और 18, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले हम 60 लेते हैं और बड़ी संख्या को भागफल विधि से हम महत्तम समापवर्त निकाल लें। महत्तम समापवर्त निकालने के लिए 2 मेथड हैं, तो आप चाहो तो फैक्टर विधि से भी निकाल सकते हो और इस विधि से भी निकाल सकते हैं। तो हम लेते हैं 6×4 = 24, तो ये आपका 60।
अगर हम 60 का डिवाइड हम 240 में करते हैं तो 4 टाइम्स आएगा, तो हम मल्टीप्लाई किया तो 240 आ गया, तो ये आपका कट गया, तो आपका कट गया, यानी कि इसका 60 एंड 240 का महत्तम समापवर्त जो निकला वो 60 निकला, 60 और 240 का महत्तम समापवर्त जो निकला वो 60 निकला। अब इसी तरीके से सिक्सटी एंड एटीन का एचसीएफ निकालेंगे। पहले इन दोनों का निकाला, फिर इन दोनों का निकलने के बाद जो महत्तम समापवर्त निकला वो 60 निकला, तो अब 60 और 18 के बीच का महत्तम समापवर्त निकालेंगे, तो इस तरीके से तीनों नंबर का महत्तम समापवर्त निकल जाएगा। तो हम लेते हैं 18 divided 60, 18 4 जा 18 2 जा 36, 18 3 जा 54 और 18 4 जा 72। तो हम इसका मतलब है, हाँ ये 72 ज़्यादा है तो हम 3 टाइम्स ले लेंगे, 18 3 जा 54। तो हम डिवाइड किया 6 10, माइनस किया तो आपका आ गया 6। फिर क्या करेंगे, 18 से लेंगे, 6 3 जा 18, कट गया, या 0 मान लेते हैं, 0 लिखे कटम लिखे, 8 में से 8 गया 0, 1 में से 1 गया 0। तो इस तरीके से 60 और 18 का एचसीएफ जो निकला वो 6 आया। इस तरीके से 0.024, 0.06, 0.018 का महत्तम समापवर्त निकालना है, लेकिन हमने 60 और 18 का एचसीएफ निकाला है 6 है। तो इन तीनों का जब हमने 60 और 240 का निकाला 60 आया, फिर इन दोनों के बीच का निकाला तो इनका आया 6। तो इस तरीके से तीनों का महत्तम समापवर्त निकला 240, 60 और 18 का महत्तम का एचसीएफ निकला 6। हमने क्या किया था, इसको सॉल्व करने से पहले हमने तीनों में 1000 से मल्टीप्लाई किया था, और इसका हमें चाहिए इसका महत्तम समापवर्त, तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई किया था, अब इस समय डिवाइड कर देंगे 1000 से, आपका एक्चुअल एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। तो डिवाइड किया 0.06, तो 0.06, तो इन नंबरों का 0.24, 0.06 और 0.018 का एचसीएफ 0.006 निकला। तो इसका आंसर आया 0.06। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।